गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 5:15 हो रहे हैं और बर्ड्स की बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है। गुड मॉर्निंग अयान, ये देखिए पैर मेरे ऊपर, क्या स्टाइल है सोने का। तो आज जब मैं सुबह उठी तो मम्मी अभी तो हंस रही हैं पर बहुत दुखी और बहुत परेशान थी। और परेशान क्यों थी? अब नहीं हूँ बेटा, नहीं हूँ, क्योंकि जो उन्होंने क्या बनाया था, इडली कुछ सूजी की, इंस्टेंट इडली और चटनी। इंस्टेंट इडली को 4 घंटे लग गए, वो इंस्टेंट तो थी ही नहीं, चने की दाल की चटनी। चने की दाल की चटनी इन्होंने रात को चने की दाल भी गोई थी, मैंने देखा था। और इन्होंने प्लानिंग की थी सुपोर्ट के मैं वो बनाऊंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। जो जैसा थी वीडियो में दिखाया था वैसा ये बना नहीं पाई। हो तो जाता है बेटे, मेरी एनर्जी खत्म होती जा रही है। मैं बना तो लेती पर मैं थक गई। और ये भूल रही थी कि कैसे बनाना है, मेरे को भूल ही गया सब कुछ। फिर दोबारा से पढ़ू तो इधर से लेट होता जा रहा था, मुझे लग रहा था मेरे हस्बैंड को भूख लगी होगी। इंस्टेंट थी ना वो, इंस्टेंट तो हो नहीं पाया, वो तो वो हो गया एक्सटेंट। तो उसमें बेचारी इतनी डिप्रेशन में चली गई, इतनी दुखी हो गई। मैं सुबह उठी, मेरे को पता नहीं क्या हो गया है, और वो इतनी दुखी कि वो बेकार हो गई। मैंने इतनी मेहनत करी थी। अभी तो ये मुस्कुरा रही है वीडियो में, बट इससे थोड़ी देर पहले तक इनका चेहरा ऐसे उतरा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसीलिए मैंने फटाफट तेरे को इसलिए उठा रही थी ना, इसलिए तेरे को उदास होकर दिखा रही थी। अच्छा, उठाने के लिए होता ताकि जल्दी उठ जाए। तो रोज तो ऐसे नहीं, मेरा आधा कप पूरा कर गया। अब तो आपने चटनी बनानी है, मिक्सी में डाल रखी है, उसको तुमने पीसना है। तो मम्मी अपनी वही चने की दाल की चटनी के पीछे बहुत परेशान है। दो तो गाइस, ये वही चने की दाल की चटनी का सामान है जिसको मुझे पीसना है, जिसकी वजह से मम्मी सुबह बहुत डिप्रेस थी। तो इसको पीसने की ड्यूटी लगी है मेरी, तो देखते हैं इसका पीसने के बाद कैसा टेस्ट, कैसा स्वाद आता है। तो फाइनली गाइस, मम्मी का दिल खुश करने के लिए मैं चने की दाल की चटनी को पीसने जा रही हूँ, ताकि इनका मन थोड़ा रिलैक्स हो जाए, डिप्रेशन से बाहर आ जाए। तो मैंने तैयारी कर रखी है, हमने यहाँ मिक्सी लगा दी है, और चने की दाल की चटनी इस कंटेनर में पिसने वाली है। तो आपको हम दिखाते हैं चने की दाल की चटनी पीस कर। थोड़ा सा इसको हम हिला लेते हैं, अच्छी खुशबू आ रही है। एक बार इसको और हिला लेते हैं। हम आपको इसकी शक्ल दिखा रहे हैं, और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। इसमें आपने नारियल भी डाला है, बहुत अच्छी इसकी जो है फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। उसने नारियल भी डाला था। और यहाँ पे घी बनने की भी तैयारी हो रही है, तो हमने आज बहुत सारी मलाई पड़ी थी उसका मक्खन बना लिया है, और अब हम इसका बनाएंगे घी, ताकि हमारे घर में घी की कमी ना हो। हम घर में बनाया हुआ घी ज्यादा प्रेफर करते हैं। मम्मी काफी खुश हैं कि उनकी चने की दाल की चटनी बन चुकी है। अभी हम उसी चीज का लंच भी करेंगे, हम आपको दिखाएंगे, इडली भी दिखाएंगे आपको। मीनवाइल जब तक ये सारे काम हो रहे हैं, तो मैं इधर घी बनाने के लिए रख रही हूँ। पहले शुरू में मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि मम्मी क्या ये घर में घी बनवाते रहते हो, लेकिन घर का घी प्योर होता है और प्योर चीजें खानी चाहिए। हम कंट्री डिलाइट का मिल्क यूज करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल्क है, उससे जो है मलाई बहुत अच्छी आती है, और बहुत अच्छी मलाई का बहुत अच्छा घी बनता है, सॉरी मक्खन बनता है फिर घी बनता है। तो आज मम्मी ने मुझे किचन के सारे कामों में लगा दिया है, उनकी डांट से मैं डर गई हूँ, और माँ को खुश रखना बहुत जरूरी है। तो हमारी मम्मी जैसे खुश है, हम उन्हें वैसे ही खुश रखेंगे। तो और कुछ मम्मी? जी मम्मी रख दीजिए, बस आप डिप्रेस मत रहो, घी की स्मेल एकदम फैल जाती है, तो एग्जॉस्ट फैन एकदम ऑन कर देना चाहिए। हमने दो एग्जॉस्ट फैन लगा रखी है, मेरे बेटे को इससे बड़ी स्मेल चढ़ती है। मम्मी दोनों एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दिए हैं, इधर घी बन रहा है, उधर इडली बन रही है टी स्टैंड पे।
इनको थोड़ा फैलाएंगे सुंदरता से। अपना छोटा सा थोड़ी सी, पूरा नहीं भरते बेटा, इसको ना थोड़ा सा कम भरते हैं ताकि आगे ऊपर फूलने की जगह मिलते हैं। तो इसमें तो ज्यादा हो गया। वही ना, तो इडली सांबर और सांबर बनाया है? सांबर बनाया है, ठीक है। तो इडली सांबर और चने की दाल की चटनी का लंच होने वाला है। लंच नहीं, इनफैक्ट इवनिंग का कुछ होने वाला है। लंच टाइम तो निकल चुका है, हम लोगों ने लंच कर लिया था, पर ये थोड़ा इवनिंग स्नैक्स समझ लीजिए इसको, या सॉर्ट ऑफ डिनर समझ लीजिए इसको हम बोलेंगे। मैंने छोटी चम्मच ले रखी, मुझे बड़ा लेना चाहिए। इधर बन रहा है घी, उधर बन रही है इडली। चने की दाल की चटनी हम बना चुके हैं, सांभर मम्मी पहले ही बना चुकी है। तो आज का जो ये वीडियो है ये कुकिंग बेस्ड हो गया मुझे लग रहा है ज्यादा, पर चलिए ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट दिखाना चाहिए, नहीं तो आप भी बोर हो जाएंगे सेम सेम कंटेंट देख के। मुझे रात को आजकल नींद नहीं आती है, मैं बहुत देर से सो रही हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के देर से सो रही हूँ, मैं देर से सोती हूँ फिर मेरी नींद अपने आप 5:30-6 बजे खुल जाती है। बर्ड्स की आवाज़ आ रही होती है बड़ी प्यारी सी, उसके बाद में मैं वापस से सो जाती हूँ, चाय पीती हूँ वापस से सो जाती हूँ। फिर जब मैं उठती हूँ तो ये लोग ब्रेकफास्ट कर चुके होते हैं, बेटा मेरे साथ ही उठता है। इडली के कंटेनर में उसके इडली के सांचे को रख दिया है, ये दूसरा सांचा। ध्यान से अपना आया, क्या कर रहे हो? ये नाया नहीं है, देखो हमारा छुप रहा है मेरे पीछे छुप रहा है। पकड़ लिया। अच्छा इधर से तो आ जाए, कोई बात नहीं। बेटा फोन की वेट कर रहा है, मम्मी इडली बनने की वेट कर रही है, इधर मेरी बन रही है चाय, उधर बन रहा है घी, और इसमें बन रही है इडली। और बेटे को फोन के लिए हो रहा है कि मैं इस पे कोई गेम खेल लूं किसी तरह, मुझे फोन मिल जाए। सैटरडे संडे इसको लिवरेज मिल जाती है, मंडे टू फ्राइडे तो उसकी पढ़ाई भी होती है, हॉलीडे होमवर्क भी है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की ऑनलाइन क्लासेस भी रहती है। अभी घर में बैठे बैठे बच्चे बहुत बोर हो जाते, ओके दे रही हूँ आ जाओ। तो थोड़ी देर मैं फोन बेटे को दे रही हूँ ताकि वो भी थोड़ा एंजॉय कर ले, उदास नहीं देखा जाता। और ये भी गलत है कि मोबाइल नहीं देना चाहिए, बट मैंने जैसे बताया था मैंने 1.25 घंटा लिमिट किया हुआ है, जिसमें मैं इसको 1/2 घंटा 40 मिनट सुबह मतलब जो आफ्टरनून में, या और 40-45 मिनट लाइट में मैं इसको खेलने रहती हूँ। तो मैं पीने लगी हूँ अपनी चाय और देते हैं अयान को कुछ देर के लिए फोन। और ये तो दुखी है, ये तो रो रहा है, फोन ना मिलने के कारण इसकी क्या हालत हो गई है। डिंग 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 डिंग। अच्छा ये ले 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 ले, ये फोन मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने लिए नहीं, मैंने इसके लिए खरीदा है, क्योंकि जब भी मुझे शूट करना होता है इसको उसी समय पे गेम खेलनी होती है। तो ये बहुत दुख वाली बात है, पर ये फिर भी बहुत कोऑपरेटिव है, मेरा बहुत प्यारा बेटा है ये। तो गाइस घी बन चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से, और हमारी जो है इडली भी बन चुकी है, इनफैक्ट बन भी गई है, हम लोगों ने खा भी लिया। ये हमारी इडली बनी है, और जो हमने चटनी बनाई थी चने की दाल की चटनी, जिस पर मैं हंस रही थी, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। इसमें थोड़ा हमने अनारदाना डाला है तो उसकी शक्ल बदल गई है, बट ये खाने में बहुत ज्यादा स्वाद है। पापा कैसी लगी? बहुत बढ़िया थी ना, आप ही के लिए बनी थी एक्चुअली। तो अब मम्मी काफी खुश होंगी, उनका मन का डिप्रेशन, आपका डिप्रेशन कम हो गया? थकावट दूर हो गई, घी बन चुका है, चाय सब कुछ, अब थकावट दूर हो चुकी है, और दोनों प्यार से बैठे हैं साथ में।